नमस्कार दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करूं। किससे? उस दादा की जिसने इंडियन टीम को सिखाई दादागिरी। बताएंगे आपको इस वीडियो में। अगर आप अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कप्तान क्रिकेट की दुनिया का ऐसा शब्द जिसके इर्द गिर्द कई महान कहानियां लिखी गई है। एक ऐसी उपाधि जिसे हासिल करना लगभग हर खिलाड़ी का सपना होता है। वो कप्तान ही होता है जिसके सिर कभी जीत का सहरा बनता है तो कभी हार की गाज भी उसी के सिर गिरती है। इतिहास गवाह है कि जिस टीम का कप्तान समझदार और दूर दृष्टि रखने वाला हुआ है उस टीम ने बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया। भारतीय क्रिकेट में ऐसे ही अड़िग समझदार और दमदार कप्तान का नाम है दादा, यानी सौरव गांगुली। दादा ने विदेशी धरती पर भारत को जीत का स्वाद चखाया। वो सौरव गांगुली जिन्होंने विरोधी की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना सिखाया। वो सौरव गांगुली जिन्होंने आज की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम की नींव 20 साल पहले ही रख दी। तो चलिए सौरव की जिंदगी के उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जिनकी सीढ़ियां चढ़कर गांगुली ने एक आक्रामक बल्लेबाज से महान बल्लेबाज तक का सफर तय किया। प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव चंडीदास गांगुली 8 जुलाई 1972 कोलकाता में जन्मे। गांगुली का टीम इंडिया के कप्तान से लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष पद तक का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। टीम इंडिया को मैच फिक्सिंग के दलदल से बाहर निकालने वाले, साथ ही टीम को कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड सिखाने वाले गांगुली को हमेशा एक जुझारू कप्तान के रूप में याद किया जाएगा जिसने क्रिकेट की दुनिया में भारत को स्थापित किया। युवा टैलेंट को मौका देना हो या अपनी दादागिरी से विरोधियों को भौचक्का करना हो या फिर विदेशी सरजमी पर टीम को जीत हासिल करना सिखाना हो, दादा ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई तक ले जाने का हर वो काम किया जो उनसे पहले तक कोई नहीं कर सका। 10वीं के बाद हुई स्कूल की छुट्टियों में सौरव ने अपनी शैतानों से घर वालों की नाक में दम कर दिया था। फिर सौरव का ध्यान भटकाने के लिए घर वालों ने उन्हें क्रिकेट स्टेडियम भेजा और इस तरह सौरव की जिंदगी में क्रिकेट की एंट्री हुई। घर से बचने के लिए सौरव ने भाई के साथ मैदान में वक्त गुजारना शुरू किया। उस दौरान गांगुली नेट्स पर सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग करते थे, कभी बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। जब कभी मौका मिला तो बड़े भाई के पैड्स और ग्लव्स पहनकर लेफ्ट हैंडिंग बैटिंग किया करते थे क्योंकि उनके बड़े भाई लेफ्ट हैंडर थे, जबकि असल जिंदगी में सौरव गांगुली राइट हैंडेड थे। इस वक्त तक सौरव केवल छुट्टियां बिताने के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रणजी ट्रॉफी में डेब्यू की कहानी भी उनकी बड़ी दिलचस्प है। उन्हें बंगाल की टीम में जगह तब मिली जब उनके भाई को खराब खेल के कारण ड्रॉप किया गया। गांगुली 1996 में सुर्खियों में आए, लेकिन वह 1992 में टीम इंडिया का हिस्सा थे जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। अपने पहले वनडे में गांगुली ने सिर्फ 3 रन बनाए और इस खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें दौरे पर दूसरा मौका नहीं मिला और फिर टीम से बाहर कर दिया गया। खबरें ये भी आई कि गांगुली ने अपने सीनियर खिलाड़ियों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया और मैदान पर ड्रिंक्स ले जाने से मना कर दिया। हालांकि आज तक गांगुली इस बात का खंडन किया करते हैं। 22 साल की उम्र में सौरव को हार और बदनामी दोनों का सामना करना पड़ा। घर वापस लौटकर उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वो एक दिन जरूर अच्छे क्रिकेटर बनेंगे और नाम कमाएंगे। अब तक सौरव को जो भी कुछ मिला वो उनकी किस्मत से मिला था, पर ऑस्ट्रेलिया में जो ठोकर लगी उसके बाद सौरव ने जमकर मेहनत शुरू कर दिया। टीम से ड्रॉप होने के बाद गांगुली ने अपने घर पर बॉलिंग मशीन लगवाई। सौरव ने अपने सेशन का टाइम बढ़ा दिया। उस दौरान सौरव दिन के 6 घंटे सिर्फ नेट्स पर बिता दिया करते थे। इसके बाद सौरव ने 1993-94 और 94-95 के रणजी सत्र में बल्ले से खूब धूम मचाई। ये सिलसिला उन्हें आगे भी जारी रखा और दिलीप ट्रॉफी में 171 रन की पारी खेली। इस दौर में सहयोग की बात यही भी रही कि कप्तान अजहर से नोकझोंक के कारण नवजोत सिंह सिद्धू इंग्लैंड दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए, जिसके कारण गांगुली को मौका मिला। गांगुली ने 1996 में इंग्लैंड के दौरे पर अपनी वापसी की और अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ा। उन्होंने अपनी दूसरी पारी में भी शतक बना और अपने डेब्यू सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। ऑफ स्टंप के बाहर उनके बेहतरीन शॉट को देखते हुए राहुल द्रविड़ ने बयान दिया कि ऑफ स्टंप के बाहर सबसे शानदार भगवान के बाद अगर कोई है तो वो सौरव गांगुली है। गांगुली को वैसे तो घर वाले प्यार से महाराज बुलाते थे, लेकिन प्रिंस ऑफ कोलकाता नाम उन्हें इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर जेफरी वायकॉट ने दिया। इसके बाद सौरव ने हर मौके पर अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बन गए। अगले 5 सालों तक सौरव के खेल का ग्राफ चढ़ता रहा, लेकिन भारतीय टीम की अंदरूनी कलह के कारण फैंस के हिस्से में केवल निराशा ही लगी। ऐसे में अप्रैल 2000 में हुए फिक्सिंग खुलासे ने भारतीय टीम को हिला के रख दिया।
सचिन तेंदुलकर ने कप्तान बनने से मना कर दिया। भारतीय क्रिकेट अंधेरे में नजर आ रहा था, तब उभर कर आए कप्तान सौरव गांगुली। सौरव ने आगे बढ़कर टीम की कप्तान संभाली और इस तरह भारतीय टीम में हुई शुरुआत एक नए अध्याय की। सौरव और डोना की शादी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन्हें भी पता नहीं चला। हालांकि दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी मन मुटाव के कारण दोनों का प्यार परवान नहीं चढ़ पा रहा था। 1996 इंग्लैंड से लौटने के बाद दादा ने विद्रोह तेवर दिखाया और गुपचुप तरीके से दोना से शादी कर ली। दोनों के परिवार को मीडिया के जरिए इस शादी की खबर लगी। सौरव और दोना ने दूसरी और अधरी शादी 21 फरवरी 1997 को परिवार वालों की रजामंदी और मौजूदगी में 3 नवंबर 2001 को उनकी एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सौरव और डोना के नाम को मिलाकर सना रखा गया। सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर सौरव गांगुली ने एक ऐसी सलामी जोड़ी बनाई जिसने भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी। दोनों ने वनडे में 6609 रन जोड़े 49.32 के अवसर से और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कामयाब वनडे जोड़ियों में से एक माना जाता है। लॉर्ड्स मैदान की बालकनी पर सौरव गांगुली का टी शर्ट निकलकर नेटवर्क ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाना भारतीय क्रिकेट के सबसे सुनहरे लम्हों में एक है। दरअसल कुछ महीने पहले भारत में वनडे सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड के एंड्रू फिल्टर ने कुछ ऐसा ही जश्न मनाया था। गांगुली ने लॉर्ड्स में इसका जवाब दे दिया। बतौर कप्तान गांगुली ने भारतीय क्रिकेट की सोच को बदला और विरोधी की आंख में आंख डालकर हर बात का जवाब दिया। 2005 में सौरव गांगुली और ग्रेट चपल के बीच जैसा विवाद हुआ शायद ही पहले कभी हुआ हो। ग्रेट चपल को कोच बनाने में सौरव गांगुली की बड़ी भूमिका थी, लेकिन किन चपल के कोच बनते ही सबसे बड़े निशाने पर आए सौरव गांगुली। चपल ने बतौर कप्तान और खिलाड़ी गांगुली को अनफिट करार दिया। दादा बीच दौरे पर ही टीम छोड़ना चाहते थे, लेकिन सचिन समेत टीम के बाकी खिलाड़ियों ने गांगुली को ऐसा करने से रोका। आज गांगुली क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, यहाँ भी उनका दबदबा है। विश्व क्रिकेट में गांगुली की बात को आज भी गंभीरता से लिया जाता है और बहुत ही कम लोग गांगुली से ज्यादा बेबाक तरीके से अपनी राय रख पाते हैं। उन्होंने बंगाली भाषा में एक शो भी किया दादागिरी, जो कि एक बेहद कामयाब। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।